मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के इंतजार करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर। इस खबर को सुनने के बाद ही सभी छात्र, मैट्रिक के छात्र जो भी इस बार एग्जाम दिए हैं, खुशी से उछल पड़ेंगे। यहाँ पर खबर ही कुछ ऐसा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दे, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित पल पल की खबर आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर कुछ खबर ऐसा है जिसे जान करके आप लोग काफ़ी खुश होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक कॉपियों की जांच में अब नहीं होगी शिक्षकों की कमी। हिंदुस्तान संवाददाता पटना। सरकार के द्वारा बिना शर्त काम पर लौटने की घोषणा के बाद सभी हड़ताली शिक्षक काम पर लौटने लगे हैं। अधिकांश शिक्षक BRC में आवेदन देकर काम पर लौटने की अपील कर रहे हैं। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैट्रिक कॉपियों की जांच में शिक्षकों की कमी नहीं होगी। हड़ताली शिक्षकों के काम पर लौटने के बाद बचे मैट्रिक कॉपियों की जांच 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है 14 अप्रैल के बाद, तो 3 से 4 दिन में जो है कि मैट्रिक कॉपी की जाँच समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हड़ताली शिक्षक इस बार आप लोग जान ही रहे हैं कि मैट्रिक कॉपी के जांच में भी योगदान नहीं दिए थे और परीक्षा में भी योगदान नहीं दिए थे। अगर हड़ताली शिक्षक मैट्रिक कॉपी की जांच में योगदान देते तो मैट्रिक कॉपी की जो जांच है वो आपको 17 मार्च को ही ख़त्म हो जाती, लेकिन जाँच में योगदान नहीं दिए, इसी लेकर के जो है कि मैट्रिक की कॉपी जांच पूरी जो है नहीं हो पाई, कॉपी जांच बच गई। लेकिन अब जो है कि ये लोग लौटने लगे हैं, तो अब जो रेस्ट कॉपी जांच बच गया है वो 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि 15 अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो 4 दिन हम मान के चले तो 19 अप्रैल तक में जो है मैट्रिक कॉपी की जाँच ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अप्रैल 3री सप्ताह में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो अप्रैल के 3री सप्ताह यानी 7 या 21, यानी हिंदुस्तान न्यूज़ के अनुसार आप देख सकते हैं कि 21 अप्रैल तक में जो है मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुप में ज़रूर फैला दीजिए, ताकि अन्य छात्र भी जो रिजल्ट को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं वे जान सके। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ज़िले में 500 से अधिक शिक्षकों ने BRC में दिया योगदान, यानी 500 से अधिक शिक्षक योगदान दे चुके हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ यह एक ज़िले की बात है, और सभी शिक्षक जो है कि अपने अपने ज़िले में योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से बिना शर्त योगदान लेने के निर्देश के बाद शिक्षकों की हड़ताल जो है कमज़ोर पड़ने लगी है। 500 से अधिक शिक्षकों ने BRC में योगदान कर दिया है। और यहाँ पर वैसे डिटेल्स है, ये सहरसा ज़िले के डिटेल्स को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि ज़िले में बड़ी संख्या में शिक्षक हड़ताल से वापस लौट रहे हैं, उनकी BRC में योगदान लिया जा रहा है, स्कूल खुलने के बाद वे वहाँ जाएंगे। तो ये वाकई सभी छात्रों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा न्यूज़ है। आप ये नहीं सोचिए कि हमने थंबनेल पर क्या लिखा है, आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके लिए यह कितनी बड़ी न्यूज़ है।